तो महंगे खर्चे का टाइम आ रहा है फिर से एक बार, तो अपने अपने पड़ोसियों को ढूंढ लो, क्योंकि iPhone 14 सीरीज 7 सितंबर को लॉन्च होने वाली है। और iPhone 14 सीरीज में ना मैं दो ही फोनों के लिए एक्साइटेड हूँ, बाकी नॉन प्रो जो फोन आने वाले हैं उनके लिए मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। क्योंकि जितनी भी लीक्स आ रही है, जितने भी रूमर्स आ रहे हैं, अभी तक यही सुनने के लिए मिला है कि iPhone 14 ही 13 होगा, मतलब शक्तिमानी गंगाधर होने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी लीक्स आ रही हैं अभी तक यही बताया गया है कि सारी चीजें सेम होने वाली है फोन के अंदर, कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा। सिर्फ जो चेंज होगा वो है कि इस बार मिनी बंद करके मैक्स वेरिएंट लाने वाले हैं। बेसिकली वो आईफोन 14 प्रो मैक्स के जितना ही होगा, बस उसके अंदर जो फीचर्स होंगे वो आईफोन 14 वाले होने वाले हैं। और वैसे आईफोन 14 और 13 तो सेम ही है। एंड यहाँ पर जितनी भी लीक्स आए ना उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि अभी भी एप्पल को नहीं लगता कि नॉन प्रो वेरिएंट के अंदर हाई रिफ्रेश रेट देना चाहिए। तो पता नहीं एप्पल कौन से जमाने में जी रहा है। बाकी यहाँ पर आपको सेम डिस्प्ले मिलेगी, अभी भी नोच मिलने वाली है नॉन प्रो वेरिएंट के अंदर। तो एप्पल भाई अब तो पंचोल दे दो, अब तो हर कंपनी दे रही है, इवन वीवो ने भी दे दिया, अब तो V25 प्रो में। यहां तक कि जो प्रोसेसर है अभी भी आपको सेम ही मिलेगा, आईफोन 13 वाला A15 बायोनिक। अब मानता हूं भाई प्रोसेसर काफी कैपेबल है, अच्छी गेमिंग कर सकते हो, हैवी टास्क कर सकते हो, बट A16 बायोनिक 4nm पर बिल्ड है, ज्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, साथ ही उसके अंदर जो AI कैपेबिलिटीज है वो भी एप्पल ने इंप्रूव की है। तो मेरे को A16 बायोनिक मांगता है इस फोन के अंदर। और साथ ही इन्होंने हर चीज सेम रखी है, बैटरी कैपेसिटी, कैमरा। अब हो सकता है यहाँ पर फोन में कलर अलग देखने के लिए मिल जाए, बट भाई शक्तिमान ही गंगाधर है। यहाँ पर आईफोन 13 ही 14 होने वाला है, इवन इसका प्राइस भी बिल्कुल सेम ही होगा जैसा कि लीक्स में देखा गया है। तो मेरे समझ से बाहर है कि आईफोन 14 क्यों ही आ रहा है जब 13 हमारे पास ऑलरेडी है सारी चीजों के साथ, सिर्फ चूना लगाने के लिए। तो एप्पल ने तो आईफोन 14 के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करा, लेकिन आप जरूर हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके रेड से ग्रे में चेंज कर सकते हो, उससे हमें जरूर अच्छा लगेगा। बट इस बार आईफोन 14 सीरीज के जिन फोनों के लिए मैं एक्साइटेड हूं वो है प्रो सीरीज। एप्पल ने पूरे 4 साल लिए इस आईशे पंचोल के लिए, और ये सिर्फ आपको प्रो सीरीज के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। और इससे बेहतर पंचोल आपको ऑलरेडी एंड्रॉइड डिवाइसेज के अंदर मिलता है, तो एप्पल वाले भाई पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। बट ये रेंडर्स है, रियलिटी में कैसा लगेगा फोन वो आने के बाद ही पता लगेगा। बाकी यहाँ पर जितनी भी स्पेक्स निकल कर आई है इस फोन की, उसके हिसाब से पहली बार एप्पल आपको देने वाला है AOD अपने फोन के अंदर। कितने साल लगा दिया एप्पल ने AOD लाने के लिए अपने फोन में, और ये भी सिर्फ प्रो सीरीज में मिलेगा, नॉन प्रो सीरीज में AOD अभी भी नहीं है। और यहाँ पर जो AOD है काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है एंड्रॉइड के मुकाबले, जैसे इनकी एप्पल वॉच के अंदर मिलता है ना, अगर आप रिस्ट को ऐसे रखोगे तो ये ज्यादा ग्लो करता है, और जैसे आप ट्विस्ट कर दोगे तो कम ग्लो करता है। तो इस तरीके का AOD होगा एंड्रॉइड से काफी हटके। और इन सारी चीजों को ऐड करने के लिए ना एप्पल ने पैसे भी ऐड कर दिए हैं। इस बार इसकी जो प्राइसिंग है वो $100 एक्स्ट्रा बताई जा रही है, और इंडियन करेंसी के हिसाब से मस्त 10,000 रुपए का चूना लगेगा। तो फ्रंट से तो मेजर डिफरेंस होने वाला है फोन में, बट बैक जो है वो अभी भी सेम ही देखने के लिए मिलेगी। बस जो कैमरा मॉड्यूल है उसका साइज बड़ा हो जाएगा इस बार, क्योंकि पहले अभी तक ना एप्पल 12 मेगापिक्सल के कैमरे से धमाल मचा रहा था, इस बार 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर यूज करेगा एप्पल पहली बार, जिसकी वजह से फोन में इस बार 8K की रिकॉर्डिंग भी मिलने वाली है। और मेरे लिए 8K खैर इतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और 8K वीडियो देखने के लिए 8K डिस्प्ले भी चाहिए, जिसकी कॉस्ट आपको पता ही है। और ये जो सेंसर होगा हर बार की तरह सोनी का कस्टमाइज सेंसर ही होने वाला है। इसके अलावा इस बार एप्पल मेजर इंप्रूवमेंट बिल्ड में भी करने वाला है, क्योंकि अभी तक साइड का फ्रेम स्टेनलेस स्टील का मिलता था, और पहली बार आईफोन 14 प्रो सीरीज के अंदर टाइटेनियम का फ्रेम मिलेगा, जिसकी वजह से ड्यूरेबिलिटी और भी ज्यादा कमाल की हो जाएगी। बाकी आईफोन 14 प्रो सीरीज के अंदर आपको A16 बायोनिक प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 4nm पर बिल्ड है, पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, AI कैपेबिलिटीज इंप्रूव कर दी गई हैं। और A15 बायोनिक के कंपैरिजन में सिर्फ यही दो बड़े चेंजेस हैं, बाकी यहां पर पावर तो ऑलमोस्ट सेम ही बताई जा रही है। नेक्स्ट जो बैटरी है भाई प्रो मैक्स की, वो 30mAh कम कर दी गई है लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। एप्पल को लगता है कि बैटरी बैकअप पहले से ज्यादा दे रहा है, थोड़ा कम भी कर लें कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां पर जैसे मैंने बताया कि A16 बायोनिक 4nm पर बिल्ड है, तो शायद उससे इंप्रूव और हो जाए बैटरी बैकअप। दूसरा जो प्रो वेरिएंट है उसके अंदर 105mAh की बैटरी बढ़ा दी गई है। तो बस यही थे जो भी चेंजेस थे आपके भाई ने आपको बता दिए। बट आप मुझे बताना कि आप $100 सिर्फ इस पंचोल के लिए एक्स्ट्रा देना पसंद करोगे। खैर $100 नहीं, 10,000 होते इंडियन करेंसी में। और एप्पल को एक फीचर और काफी साल में याद आया, वो है फ्रंट कैमरे में ऑटो फोकस का, तो ये भी फाइनली प्रो सीरीज के अंदर आपको मिलने वाला है। बाकी यही कुछ फीचर्स थे हार्डवेयर बेस्ड जो कि आपको चेंज देखने के लिए मिलेंगे अकॉर्डिंग टू लीक। और जो सॉफ्टवेयर बेस्ड चेंज होंगे वो तो आपको हर एप्पल डिवाइस के अंदर अपडेट से मिल जाएंगे, जैसे कि बैटरी परसेंटेज वगैरह शो करना। बाकी आप मुझे बताना आप नॉन प्रो सीरीज के लिए एक्साइटेड हो या प्रो सीरीज के लिए एक्साइटेड हो। खैर वो 13 सीरीज ही हुई। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जॉन मैगेश टू वॉच योर हार्ट फील स्टेडियम विद द HFVN बॉक्स गाइस। Bye!